चलो वेलकम टू माय चैनल। और आज फर्स्ट व्लॉग चालू करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरने के लिए, और ये बच्चे लोग भी पूछ रहे हैं मुझे कि कहाँ पे जा रहे हो। मेरे से ज़्यादा तो उनको मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज़ वो भी मेरे सब्सक्राइबर है। तो मैं उनको बोल दिया मैंने कि पेट्रोल भरने जा रहा हूँ, और अभी गाड़ी स्टार्ट करते ही उनका रिएक्शन देख लेना आप, मज़ा आएगा आप लोग को। एज का था तभी मैंने एक ड्रीम बना लिया था कि मैं एक यहाँ पे एक स्पोर्ट्स बाइक तो खड़ा कर दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा पर एक स्पोर्ट्स बाइक तो खरीद के ही रहूंगा मैं। और ये मेरी फर्स्ट बाइक है जेड एम आर, उसको तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, बिकॉज उसके वजह से ये जेड 900 आई है मेरी लाइफ में, और बिकॉज ऑफ माई महादेव। तो मैं हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स के ऊपर चलता हूँ। चलो अभी देखते हैं आगे क्या क्या सरप्राइज आने वाले और क्या क्या रिएक्शंस मिलेंगे। पर पहले सबसे पहले मोबाइल का रिचार्ज किया था 300 रुपये का, तो पहले उसको 300 रुपये देना जाता हूँ मैं। तो ये भैया को अपना 300 रुपये दे देता हूँ मैं, ज़्यादा उधार ही नहीं रखना है। और अभी आप सोचोगे कि ये भाई 13 लाख की गाड़ी यूज़ कर रहा है और 300 रुपये का ही रिचार्ज कर रहा है, पर क्या करे भाई, गरीबी से मैं आया हूँ और 10 साल लगाए ये ड्रीम बाइक लगाने के लिए ख़रीदने में। सो छोटे छोटे अमाउंट से ही खुशियाँ खरीदी जाती है। चलो अभी चलते हैं रिएक्शन देखने क्या क्या मिलता है। अभी एक रेस देते ही उस वाहन की जरूरत ही नहीं, एक रेस ही बस है, साइड में हो ही जाते हैं, टेंशन ही नहीं है हॉर्न की, तो एक रेस में ही साइड में हो जाता है पब्लिक। सिग्नल के लिए वेट, सिग्नल भाई सिग्नल तोड़ दिया तो 5000 रुपये का फटका है। और ये भाई साहब को देख सकते हो आप, ये एक्चुअल मेहनत है गाइस। हम लोग बोलते हैं हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पर ये इट्स एक्चुअल स्ट्रगल। ओके हम लोग कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ मेहनत करते हैं। ओके स्ट्रगल तो एक्चुअल ये है, यहाँ से आप ऊपर आते हो ना उसको स्ट्रगल बोलते हैं। और एक ये रिएक्शंस मिल गया। अब ये तो पापा की परिया जा रही है फास्ट, मैं इतना फास्ट नहीं, आराम से। अब ये कार में आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, वो एक रिएक्ट करेगा बाइक को देख के, देखो देख रहा है बार बार, मज़ा आता है ऐसे रिएक्शंस देखने में बाइक के। पर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ महादेव से कि उन्होंने मुझे ये बाइक दी फाइनली। पर मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगा ये बाइक की, और आराम से रखूंगा और आराम से चलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जन का ड्रीम है ये बाइक। बहुत सारे जन आते हैं और अपना जो ये बाइक को देख रहा है वो अपने मन में सोचता रहेगा कि यार मेरी भी काश ये बाइक होती। ये आप देख सकते हो रिएक्शंस उनके, क्योंकि यहाँ से ही आपका ड्रीम चालू हो जाता है बाइक ख़रीदने का। पर आप आधे में ही गिव अप कर देते हो, पर मैं एक ही बात बोलूँगा, गिव अप नहीं करना है गाइस, कुछ भी हो गिव अप नहीं करना है। ओके अभी आप ये देख सकते हो एक रेस मारते ही बाजू में भाई ऑन मारने की ज़रूरत ही नहीं है, रेस मारो पब्लिक बाजू में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी ये छोटे बच्चे देखो कैसे देख रहे हैं, देखो मुझे लाइक कैसे कि कुछ शैतानी देख लिया पता नहीं। देखो वो छोटू तो देखो कैसे देख रहा है मुझे, जैसे कि भाई मैंने कुछ इनके घर से भाई कुछ चोरी कर ली है। अभी एक टैक्सी से रिएक्शन आएगा, ये देखो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है भाई, पीछे मुड़ मुड़ के। कुछ नहीं हम लोग आगे चलते हैं, पर बाद में फिर से आगे टैक्सी वाले को जाने देंगे, उसको आराम से देख लेने दीजिए बाइक ये, आराम से देख लेने दीजिए। अभी हम लोग साइड से जाएंगे। अभी यहाँ तो पूरा काफिला आने वाला है, अभी रिएक्शन सिर्फ चेक करना। पर यार बहुत ब्लेस्ड हूँ यार, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ, बट नो वर्ड्स हैव
पर मुझे लाइक आराम से ही चलाना है बाइक, कुछ भी हो। जो भी देखता है ये बाइक की तरफ तो उसका एक ड्रीम है ये बाइक खरीदना, तो मैं उसको वो तोड़ना नहीं चाहता। वो आराम से लाइक जो भी जहाँ पे भी देखे आराम से बाइक का वो देख लीजिए बाइक। और मेरा एक ही है ये, देखो आप एक मुंबई पुलिस को देख सकते हो यार, कितना मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लाइक इतना ट्रैफिक को कंट्रोल करना है नॉल, इसलिए आई जस्ट रिस्पेक्ट मुंबई पुलिस यार। अभी आप आगे देख सकते हैं, एक एक सरप्राइज आने वाला है आपके लिए देखो, पर मुझे पता नहीं है कौन सी कार है। ओके विंटेज कार है, पर आप मतलब आपको पता है तो एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन सी कार है ये, और मुझे तो नहीं मालूम, पर बहुत विंटेज कार है ये, क्या मेंटेन करके रखी है यार, बहुत कलर भी सुपर कलर है, कितना मेंटेन करने में कितना खर्चा लगता होगा इसको, बहुत भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है ये। चलते आगे, अब ये देखो ये एक जरा सा रेस मारूंगा इधर से भी, पब्लिक आ गई जरा सी, अब एक पीछे से आएगी उसका रिएक्शन देखना। ये देखो कौन है यार, ये कौन है, ऐसे मन में सोचते रहेंगे कौन है ये आदमी, क्या मोबाइल लगा के बैठा है हेलमेट पे, क्या कर रहा है। अभी ये रिएक्शन तो भाई साहब देख लो भाई, ये ट्रू बाइकर्स का इमोशंस है, वो देख रहा था दूर से ही। अभी आप देख सकते हो मैं जरा सा मोबाइल चेक कर रहा था, ये एक तो मोबाइल हूँ कर रहा है कब से, तो मैं वो देख रहा था क्या चल रहा है मोबाइल में, एक तो कुछ मैसेज नहीं कुछ नहीं, तो भी हूँ क्यों कर रहा है पता नहीं। भाई को सुना देते आवाज़, भाई बोल रहा है स्नैप स्नैप करके स्नैप पे। चलो तो बाइक की ड्रीम बाइक है, इमोशंस है गाइस, एक यही खुशी तो देनी है यार, ये खुशी चाहिए हर एक के फेस पे, ये खुशी देखना चाहता हूँ मैं, ये फीलिंग अलग ही लेवल है यार, अलग ही लेवल की फीलिंग मिलती है, और सुकून अलग ही है हर एक के चेहरे पे फिर स्माइल देखता तो। और ये अभी आप आगे देख सकते हो, ये बंदा रोड के बीच में खड़ा है, ओके साइड में भी नहीं हो रहा, इतना गुस्सा आया ना मुझे भाई, ऐसा लगा उसको है ना ठोकर ही मार दूँ, पर बाद में मैंने ज़रा सा खुद को मना लिया कि भाई उसको ठक्कर मारने से कुछ नहीं होगा, मेरा ही बाइक का खर्चा आएगा, इसलिए मैंने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए। पर भाई ऐसे मतलब रोड पे खड़े रहते हो ना, मैं लिटरली बोलता हूँ यार बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, और बाद में बोलते हो कि बाइकर्स की गलती है एंड ऑल। ओके चलते आगे, ऐसे तो हमेशा होता ही रहता है, ये मुंबई है यहाँ पे सब अपने को भाई ही मानते हैं। चलो अभी यहाँ पे बैठते हैं ज़रा सा, ये कब से मोबाइल है ना हूँ कर रहा है, देखना है मुझे, देखना है क्या चल रहा है ये मोबाइल में, तो कुछ पता भी नहीं चलता है मोबाइल क्या बार बार हूँ कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है क्या हो रहा है पता नहीं, मोबाइल चेक करना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल वाले के पास फिर से देना पड़ेगा मुझे। चलो ज़रा स्टॉप करते हैं बाइक और देखते हैं क्या चल रहा है बाइक में, क्या हो रहा है, हर हर महादेव मैसेज। अरे ये भाई तो नेक्स्ट लेवल निकला, ये तो सरप्राइज ही मिल गया ये भाई को, तो मेरा बाइक का फ़ोटो निकालना था तो उसने पूछ लिया पोलाइटली कि भाई कैन आई टेक योर पिक, बोला भाई थैंक यू निकाल सकते हो भाई, क्यों नहीं, फ़ोटो के लिए कौन ना बोलेगा भाई, हमेशा रेडी हो फोटो के लिए, क्योंकि इसको भी फ़ोटो निकालना है मैं हमेशा रेडी हो भाई, जस्ट फ़ोन करना है मैं पहुँच जाऊँगा उधर। पर ये भाई ने जो फ़ोटो निकाला ना भाई, मैं आपको साइड में इमेज दूंगा ओके, वो देख लेना ये क्लिक करने के बाद, एक नंबर फोटो निकाला गाइस, एक नंबर ओके। और इसने अब भी जस्ट पेज चालू किया ये भाई ने, तो मज़ा आ गया ये फ़ोटो देख के मुझे, तो क्लिक कर रहे फ़ोटो, पर मैं अब अभी आपको आगे दिखाता हूँ कौन सा फ़ोटो निकाला उसने, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं फ़ोटो, ज़रा पोज देने दो मुझे, वो बोल रहा है कि ज़रा सा हैंडल ये साइड कर लो, ज़रा सा पोज अलग देता हूँ मैं, एटीट्यूड बनाना नहीं चाहिए, एटीट्यूड एकदम कड़क रहना चाहिए ओके। अभी भाई फोटो दिखा रहा, फोटो देखकर ही भाई साहब मतलब मन में लड्डू फूटा मेरे, पर भाई ने बाद में एडिट करके फोटोशॉप भेजा ना भाई, एक नंबर फोटो था भाई, बहुत इमोशनल हो गया ये जगह पे मैं, पर मज़ा आ गया, सरप्राइज बहुत अच्छा सा मिला मुझे भाई, अच्छा सा मिला मुझे सरप्राइज, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। बाद में उसने मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी पूछा, तो मैं जस्ट उसको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया, रॉकस्टार एमन करके,
तो आगे ऐसे ही प्रोसेस चल रही थी, मैं उसको पूछ रहा था तो उसने बताया मेरा न्यू पेज है। मैंने उसको प्रॉमिस भी किया कि मेरा अभी फ़िलहाल यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं है, फिर अभी चालू किया है, पता नहीं कब ग्रो होगा, धीरे धीरे होगा। पर उसको बोला मैं अपना वीडियो ये जो अभी बना रहा हूँ मैं व्लॉग में डालूँगा, तो देखते आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मैं ऐसे ही सब अंडरग्राउंड फोटोग्राफर्स को एंड ऑल मेरे ब्लॉग में डालता रहूँगा, बिकॉज दिस गाइज आर लाइक एंजल्स फॉर मी यार। आई बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ऑफ देम हमारी मतलब वैल्यू बढ़ती है यार गाइज, लिटरली बोलता हूँ कि ये मतलब कुछ है ही नहीं यार इन लोग के सामने। मैं सच में बोलता हूँ, बहुत पोलाइट होते हैं, इसलिए हम लोग को भी वैसे ही पोलाइट करना पड़ता है। चलो अभी जाते हैं पेट्रोल भरने के लिए, सिर्फ 500 रुपये का ही पेट्रोल डालना है, टाकी वैसे भी फुल ही होने वाली है। चलो अभी यहाँ पे किधर, ओके अभी यहाँ से इधर जाने बोल रहे, किधर जाना किधर है। हाँ चलो ठीक है, टाकी भाई पेट्रोल भर दे भाई 500। बाद में ये भाई ने बोला कि मेरा फेस मत लो, यहाँ पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि मेरा फेस नहीं आना चाहिए। तो मतलब ओके आई रिस्पेक्ट यू बॉय। देन मैंने उसका ये नहीं लिया, फेस नहीं लिया, फेस की जगह पे कुछ मास्क डाल दिया मैंने। पर उसने भी कमेंट दिया बहुत अच्छी बाइक है, बोले यार सब लोग की ड्रीम बाइक है, और महादेव की कृपा से मेरे हाथ में है अभी, मुझे उन्होंने मेहनत करना सिखाया तो मेरे हाथ में। पर मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ ये बाइक को, और आराम से चलाऊँगा। थैंक यू भाई, चलो चलते हैं, अभी घर जाने का समय आ गया है। चलो बाइक स्टार्ट करते हैं, तरह हूँ हूँ करते हैं, चलो रिटर्न फिरते घूमते फिर से घर पे। चलो और ये देखो ये बीच में ही, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल, ये इनको है ना मतलब जान की परवाह ही नहीं है। 2 मिनट रुकते तो क्या होता इन लोग को, फुकट का मतलब किसी के बाइक के नीचे या 4 व्हीलर ठोक जाती तो फिर हॉस्पिटल में ही बैठ जाते। पता नहीं यार ऐसे लोगों को क्यों समझ में नहीं आता 2 मिनट रुकने से क्या होता है इन लोग को। प्लीज़ गाइज आराम से, आराम से रोड पे प्लीज़ बाइक और कार्स देख के चलना, बिकॉज आपकी जान बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फैमिली के लिए। चलते रहना है, अभी चलो फाइनली मैं घर पे पहुंच ही गया। अभी यहाँ से टर्न मारना है मुझे अंदर, और मेरा घर आ गया। पहले मेरे दोस्त के पापा को पूछता, वो शादी में गया अभी, और उसके पापा बोल रहे कि तू गया कि नहीं। मैं बोला नहीं नहीं भाई, अपन को राइड करना है, उनको मोटो व्लॉगिंग करना है, तो मैं नहीं गया शादी में। बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। अभी यहाँ पे सब क्रिकेटर्स खड़े, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते ये लोग भी, अभी जस्ट फाइनल मार के आए। चलो चलते हैं अभी अपने बैक टू पार्किंग पे, आराम से चलना है बिकॉज यहाँ पे तो स्ट्रगल स्ट्रगल है रहने में, चौल में हूँ तो आराम से चलाना है, बिकॉज कि हर किसी के बाइक को मुझे टक्कर भी करने ही मारनी है। सो आराम से चलना, ज़रा हूँ हूँ करना है। और ये आप देख सकते हो जड़े मार मेरी, ये मेरी फर्स्ट बाइक है, 12 साल हो गए ये बाइक को, इसके वजह से ये बाइक मेरे लाइफ में। अभी एक ये चिंटू लड़का, अभी इसको रे करना है,
चलो आओ तो इसका भी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये खुशी ही अलग है भाई, तो भी मैंने उसको पूछ लिया भाई तेरे मन में कुछ अजून करा तो करूंगे एकदा, जरा सा ज्यादा रे मना मत काय ठेवू नको, जरा आ गया वो और मना मध्ये काय खूप नको तो वाढवा फिर से उसका एक्सप्रेशन देख सकते हो आप भाई। चलो भाई अभी फिर से अपने पार्किंग पे लगाते हैं। अभी देखो ये बाइक देखते ही फिर छोटे छोटे लड़के जो है अपने सब्सक्राइबर्स अपने आ गए, बाइक देखते बहुत एक्साइटेड होते हैं, बाइक देखते उनको मज़ा आता है बाइक के। और ये स्पोर्ट्स बाइक लव है, सिर्फ बाइकर समझ सकते हैं ये। चलो महादेव का नाम लेते हैं और ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं अभी। चलो हर हर महादेव। कंपनी का नाम ही बिगड़ देगा तुम लोग।